हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको करेले हार्वेस्ट करके दिखा रही हूँ अपनी छोटी सी स्मॉल सी गार्डन से। देख रहे हो यहाँ पे करेले बहुत सारे लगे होते हैं, बहुत करेले मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं और कर ही रही हूँ अभी तक, और न्यू पौध मैं और लगा देती हूँ, करेले से ही पौध तैयार कर देती हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, छोटी सी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ फ्रेंड्स, बोर ना हो। यहाँ पे एक वीडियो मैं शॉर्ट डालती हूँ और एक लॉन्ग डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको ये वाला करेला दिखा रही हूँ, ये अपने आप ही झड़ गया है पक करके, और अभी ये बना भी नहीं है, छोटा सा ही था, पूरा भी नहीं हुआ है। बहुत फ्रेंड्स की शिकायत होती है कि छोटे छोटे ही जैसे समय से पहले ही पक जाते हैं करेले, उनके लिए क्या करें फ्रेंड्स। अब इतने सारे करेले लगे हुए हैं, सबको कवर तो नहीं मैं कर पा रही हूँ, बट मैं यहाँ पे नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ। एक तो वो ऑर्गेनिक है और एक वो जो वाइट मक्खी होती है, वो वाइट मक्खी नहीं आती है हमारे करेले के फ्रूटिंग पे, जो छोटी छोटी को ही डंक मारती है वो मक्खी, और करेले वहीं पे या तो पक सी जाते हैं या फिर काले होकर झड़ के गिर जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे करेले हार्वेस्ट कर लिए हैं और काफ़ी सारे करेले मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, और कुछ नई नई पौध भी आगे को तैयार करी जाती हूँ। इन्हीं करेलों से मैं पौध तैयार कर लेती हूँ। बैंगन भी काफ़ी लगे हैं, ये थोड़ी सी शूटिंग मैं आपको पिछली अपडेट की डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने इसमें आपको ग्रो करके दिखाया था, इसी तरीके से मैंने एक बार फिर से ग्रो कर लिया है। और ग्रो करना करेले कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है फ्रेंड्स, बारिशों में तो वैसे ही बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, उल्टे सीधे जैसे मर्जी सीड्स डाल दीजिए, बिल्कुल ही ग्रो हो जाते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती और बहुत ज़्यादा खाद वगैरह भी डालने की जरूरत नहीं होती। तो देखिए, मैंने 2 बार के यहाँ पे करेले आपको दिखाए हैं, और मैं इसमें जो छोटा सा ये कैनी है, जैसे ये इन्वेटर के पानी आता है, इसमें 5 लीटर की कैनी होती है, उसको मैंने हाफ काटा हुआ है। हाफ में मैं किस तरीके से ग्रो करके दिखा रही हूँ, थोड़ा सा ये गोबर का जैसे उपले का मैंने थोड़ा सा टुकड़ा इसमें डाल दिया है, और ऐसे ही बस इसको मैं ये बैक जो मैंने डाली थी पहले वीडियो, ये पहली अपडेट थोड़ी सी दे रही हूँ कि इस तरीके से हमने ग्रो कर लेने होते हैं। करेले हो गए, कुछ भी हो गया, जो भी हम वेजिटेबल, मैं तो ऐसे ही ग्रो करती हूँ, और आपके सामने फ्रूटिंग भी कितनी सारी लगी हुई है। तो देखिए, मैंने इसी तरीके से इसको मिक्स कर दिया है, कच्चे पक्के सब, और इसमें डाल दूंगी मिट्टी में। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स बोलते हैं कि करेले ग्रो करके दिखाएं। फ्रेंड्स, मैंने डाल तो रखी है वीडियो, तभी मैंने थोड़ी सी कि ये लास्ट की शूटिंग डाली है कि आप देख लें इसको कि कैसे मैंने करेले से करेले में पौध तैयार कर लेती हूँ, कैसे हम न्यू अपनी सब्जी जो हम किचन में आती है, उस किचन में आई सब्जी से किस तरीके से न्यू पौध तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से पानी स्प्रे कर दिया इसमें, और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे ये जैसे 6-7 डेज का रिजल्ट कितना अच्छा होता है। तो आप इस तरीके से ग्रो करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट किया करो, और काफ़ी अच्छी पौध तैयार हो जाती है। जो मर्जी वेजिटेबल घर में आप रेहड़ी से मंडी से लाते हैं, उससे आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, जो भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो और पूछ सकते हैं आप कमेंट में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग वीडियो के साथ आती हूँ। यहाँ पे देखिए, छोटे छोटे से भी हैं, बीच में अभी अंकुरित भी हो रहे हैं और कुछ निकल भी आए हैं, और काफ़ी अच्छी पौध भी बन गई, और इसमें से काफ़ी पौध मैंने उठा भी ली। बल्कि पीछे जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें ये वाली अपडेट छोटी सी मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि ये जो है बाद में हुए थे, ये बाद वाली अपडेट मैं डाल रही हूँ। इसमें से मैं यहाँ पे से बहुत सारी पौध उठा चुकी हूँ और टब में मैंने लगाई है, उसकी मैं थोड़ी सी अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी किसी में, कि उसमें काफ़ी अच्छे करेले आ रहे हैं और काफ़ी अच्छी उसमें फ्रूटिंग आ रही है। क्योंकि जो भी वेजिटेबल मैं लगाती हूँ जिस पे बहुत सारी फ्रूटिंग आती है, उससे मैं और नई पौध तैयार कर लिया करती हूँ। मैं कहीं से कोई हाइब्रिड के बीज नहीं लाती हूँ, बस ऐसे ही ग्रो किया करती हूँ।